आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर लर्न में। दोस्तों अभी भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी से एक नोटिस निकल के आया है। आज हम इसी नोटिस के विषय पे बात करेंगे। ये नोटिस जो है LLB छात्रों के लिए नोटिस है। चलिए दिखाते हैं नोटिस क्या है। इससे पहले कि दोस्तों जिन लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि रामनो यूनिवर्सिटी से कोई भी लेटेस्ट अपडेट नोटिस है वो आप तक पहुंच सके। ये नोटिस जो है आप सभी छात्रों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण नोटिस है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दिखाते हैं नोटिस। नोटिस का पहले विषय मैं आपको बता देती हूँ क्या है। नोटिस का विषय में बताया जा रहा है दिनांक 28/11/2020 से प्रारंभ होने वाली LLB थर्ड ईयर सेमेस्टर सेकंड फोर्थ एंड सिक्स 2020 और LLB फिफ्थ ईयर सेकंड फोर्थ सिक्स एंड एट एंड 2020 मुख्य एवं भूतपूर्व की परीक्षाओं को संपन्न कराए हेतु परीक्षा केंद्र से संबंधित यदि सूचना है तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। चलिए दिखाते हैं पूरी नोटिस को। नोटिस में देखिए ये दिया गया है दिनांक 9/11/2020 यानी कि 9 तारीख का ये नोटिस है जो कि साइट पे आज ही अपलोड किया गया है। अधिसूचना में बताया जा रहा है इत्तेदार द्वारा सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि दिनांक 18/11/2020 से प्रारंभ होने वाली LLB थर्ड ईयर सेमेस्टर सेकेंड फोर्थ एंड सिक्स 2020 एंड LLB फिफ्थ ईयर सेकेंड सेमेस्टर फोर्थ सिक्स एंड एट एंड टेंथ सेमेस्टर 2020 मुख्य एवं भूतपूर्व की परीक्षाओं को संपन्न कराने हेतु कुलपति महोदय के आदेश अनुसार निम्नलिखित महाविद्यालयों को परीक्षा केंद्र निर्धारित किया जाता है। तत्व संबंधी महाविद्यालय में कार्यरत प्राचार्य प्राचार्या ही केंद्र अध्यक्ष के दायित्वों का निर्वहन करेंगे। तो यहाँ पे जो आप लोगों का है LLB थर्ड ईयर सेमेस्टर सेकेंड फोर्थ एंड सिक्स 2020 के और LLB फिफ्थ ईयर के जो सेकेंड सेमेस्टर सेकेंड फोर्थ सिक्स एंड सिक्स एट एंड टेंथ 2020 के छात्र इन सभी के जो मुख्य और भूतपूर्व की परीक्षाओं को संपन्न कराना था उसका जो है परीक्षा केंद्र और उसे समृद्ध महाविद्यालय का नाम को घोषित कर दिया गया है। तो आप लोगों के एग्जाम जो होंगे उसी के बारे में ये नोटिस है। चलिए हम दिखाते हैं आप लोगों के परीक्षा केंद्रों का नाम। जो भी आप लोगों के परीक्षा केंद्र निर्धारित किया गया है उसी का नाम यहाँ पे दिया गया है नीचे आपको देखिए। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों के निर्धारित परीक्षा केंद्र के नाम दिया गया है और इसी से समृद्ध सभी महाविद्यालय के नाम दिया गया है। मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप वहां से जाकर के सारा देख सकते हैं कि कौन से परीक्षा केंद्र का नाम और किस महाविद्यालय से समृद्ध महाविद्यालय का नाम दिया गया है। यहाँ सारा चीज आप अच्छे से देख सकते हैं खुद से। मैं इसका लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर के आप इजीली से देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि रामनो यूनिवर्सिटी से कोई भी लेटेस्ट अपडेट नोटिस आए वो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।